फ्रेंड्स कैसे हैं। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी आलू और लौकी की मज़ेदार रेसिपी, जो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही डिलीशियस बनती है और बनाना भी बहुत आसान है और बहुत झटपट ये बन जाती है। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। चलिए देख लेते हैं, कुकर मैंने चढ़ा दिया था, ये हीट हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे आधा टेबल स्पून घी, क्योंकि हम लौकी की सब्ज़ी बना रहे हैं ना, तो उसको घी में फ्राई करेंगे। अभी मैंने लिया है 350 ग्राम लौकी। एक मिनट इसको अच्छे से भून लेंगे। अब हम इसको निकाल लेंगे। मैंने कुकर चढ़ा दिया है, अब इसमें डाल देंगे हम 3 टेबल स्पून। हमने तेल ले लिया है, ये मैंने कुछ मसाले ले लिए हैं, एक तेजपात है, एक लौंग है, एक आधा इंच का टुकड़ा दालचीनी है, 1/4 टीस्पून जीरा लिया है और एक चुटकी हींग लिया है। लिया है एक बड़े साइज की प्याज को मैंने ग्राइंड कर लिया है, दरदरा सा बस। आज हम फटाफट वाली सब्जी बना रहे हैं, जो कि कुकर में बन जाती है आराम से। और हम कुछ मसाले ले लेंगे। ये मैंने 1/2 टीस्पून हमने लिया है गरम मसाला, 1/2 टीस्पून लिया है हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून लिया है मिर्चा और आधा टीस्पून हमने लिया है धनिया पाउडर और 1 टीस्पून लिया है नमक। एक मीडियम साइज का टमाटर लिया है, इसको भी डाल देंगे। थोड़ा सा इसमें पानी डाल देंगे, 1/2 कप, जिससे कि मसाले मेरे जले नहीं। अब इसको हम चलाएंगे। मसाले मेरे देखिए अच्छे से हो गए हैं। अब हम इसमें डाल देंगे आलू। आलू को मैंने अच्छे से काट लिया है क्यूब में और इसको वॉश करके मैंने स्टेनर में रख दिया था। 1 मिनट आलू को भी फ्राई करेंगे, मसाले में अच्छे से भून लेंगे। मिनट हो गया है। सब्जियों को ना बिल्कुल जैसे हम चिकन मटन बनाते हैं तो खूब भुनाई करते हैं, वैसे ही सब्जियों की भुनाई करनी चाहिए, तभी हमारी सब्जी परफेक्ट निकलेगी। चलिए अब हम इसमें डाल देंगे लौकी, जो मैंने फ्राई करके रखा था। अब हम इसमें डाल देंगे, मैंने 1 कप पानी लिया था, थोड़ा पहले डाला है और जो पानी बचा है इसको डाल देंगे। अब इसकी लीड कवर कर देंगे और 1 सीटी हाई फ्लेम पे लगाएंगे और उसके बाद गैस को बंद कर देंगे और जो इसमें स्टीम होगी ना, उसमें अच्छे से मेरी सब्ज़ी गल जाएगी। चलिए फिर मिलते हैं। लेते हैं, स्टीम निकल चुकी है मेरे कुकर की, ये देखिए। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा धनिया का पत्ता, आलू और लौकी मेरा बहुत अच्छे से गल गया है, ये देखिए देखिए। बस 1 सीटी के बाद में आप इसको बंद कर दीजिए, बहुत अच्छे से गल जाता है। लौकी भी मेरी देखिए ये रफली तरीके से बनता है, लेकिन बहुत अच्छी बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनती है, इसे बनाइएगा ज़रूर।
चलिए अब इसको हम बंद कर देते हैं और गैस की फ्लेम बंद है और 10 मिनट बाद हम इसको सर्व करते हैं। फ्रेंड्स, मेरी आलू और लौकी की सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई। ये बहुत ही मज़ेदार बनती है और बनाना भी बहुत आसान है, क्योंकि मैंने ये रफली तरीके से बनाया है, तो बहुत ही आसान है और बहुत ही टेस्टी बनती है। इसे बनाइएगा ज़रूर। तो कैसी लगी मेरी रेसिपी, इसे बनाइए और मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइए कि आपकी आलू और लौकी की सब्ज़ी कैसी बनी। और हाँ, नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।